हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये फ्रिल स्कर्ट बनाना बताऊंगी, जो वेयर करने पर बहुत ही प्यारा लगता है और हम इजीली इसको घर पर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये स्कर्ट बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने लगभग 10 मीटर नेट फैब्रिक लिया हुआ है, 3 मीटर सिल्क फैब्रिक लिया हुआ है और इलास्टिक कमर बेल्ट बनाने के लिए। इसका मेजरमेंट कुछ इस टाइप से है जो इसकी लेंथ, और मैंने 34 कमर के लिए रखा है। तो सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। जो हमारा 3 मीटर सिल्क फैब्रिक है उसको हम डबल फोल्ड करेंगे इस टाइप से, और जहाँ से ये खुला है उस साइड से हम एक फोल्ड इसको ट्रायंगल में कर लेंगे। इस टाइप से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमें 34 कमर के लिए जैसे ये बनाना है, तो 34 में हम 2 प्लस करेंगे और उसका 4 पार्ट करेंगे, तो हमारा आएगा 9 इंच। तो हमें जो इसकी कमर की चौड़ाई लेनी है वो 9 इंच के लगभग लेनी है। तो ये मैं 12 पर मार्क करने पर आएगी, तो हम इसको 12 पर एक मार्क कर लेते हैं। ये 12 पर हमने मार्क क्यों किया है इसका मैंने बता दिया है, क्योंकि हमारी जो कमर की चौड़ाई रहेगी वो 9 इंच रहेगी, जो कि 36 का 4 पार्ट है। ये 9 इंच कैसे आया वैसे मैं बता चुकी हूँ, बट मैं एक बार और बता देती हूँ। जो हमारी कमर का मेजरमेंट है वो 34 है, इसमें हम प्लस 2 करेंगे एक्स्ट्रा। प्लस 2 करने के बाद इसका जो कि 36 हो जाएगा, तो इसका हम 4 पार्ट निकाल लेंगे, जो कि 9 इंच आ रहा है। इस टाइप से हमारा जो कमर का मेजरमेंट आया है वो 9 इंच आया है। तो ये वाली जो हमारी चौड़ाई है ये 9 इंच रहेगी। अब हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। तो हमारी जो स्कर्ट की फुल लेंथ है वो 41 है, तो हम पहले टोटल लेंथ मेज़र कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 40 पर एक मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा 2 इंच का बेल्ट लगेगा और उसमें से 1 इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। तो पहले हम टोटल लेंथ मेज़र कर लेंगे, जो कि हमारी 40 आई पर मार्क करेंगे, और इसके बाद हम कॉर्नर से मार्क करेंगे, तो हमारा 52 पर मार्क होगा टोटल, क्योंकि हमने 12 इंच कमर पर मार्क किया है। इस टाइप से ये जो हमारी लेंथ है वो 40 है, और टोटल कॉर्नर से जो हमने मार्किंग किया है, हम सेम अपने फैब्रिक पर भी इसी टाइप से मार्क करेंगे जैसा कि हम इस पेपर पर कर रहे हैं। और ये जो हमारी लेंथ मेजर है वो 52 है, हमने कपड़े पर भी इसी टाइप से मार्किंग कर ली है। ये देखिए, हम इसको कट कर लेंगे। जैसे हम पेपर को कट करेंगे सेम उसी टाइप से हम अपने फैब्रिक को कट करेंगे। ये राउंड सर्कल में कट कर लेंगे और इसकी कमर को भी कट कर लेंगे। हम जब इसको ओपन करेंगे तो हमें ये 2 पार्ट में मिलेगा इस टाइप से। अब हमें इसके ऊपर जो सेम ये इसी कटिंग में हमारा फैब्रिक रहेगा, तो हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे, और इसके ऊपर जो नेट हमें लगानी है उसके लिए हम मार्किंग कर लेंगे। तो पहले हम 13 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से कमर से 13 इंच पर एक मार्किंग करेंगे, और फिर इसको हम कमर से राउंड में मार्किंग करके जाएंगे, और इस टाइप से हम 13 पर एक राउंड मार्किंग कर लेंगे। सेम इसके नीचे भी हम अगला 13 करेंगे। इस टाइप से हम 2 मार्क इसमें कर लेंगे। जो हमने मार्किंग की है वो हमने कमर से की है। ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ये कमर से 13 इंच पर है, और अगली जो लाइन ड्रॉ की है मैंने वो भी 13 पर है। इसको मैं डार्क कर लूँगी, और सेम इसी टाइप से हम अपने फैब्रिक पर भी मार्क कर लेंगे। हम फैब्रिक के एक पार्ट पर इस टाइप से मार्क करेंगे। और इसी टाइप से हमने अपने फैब्रिक पर भी मार्क कर लिया है। अब हमें जैसे हमारे फैब्रिक के 2 पार्ट मिले थे, तो हमें दूसरी साइड फैब्रिक के पार्ट पर जो मार्किंग करनी है, तो हम जो हमने मार्किंग की है
दूसरे फैब्रिक को इस टाइप से उसके अपोजिट साइड रख देंगे और इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे हाथ से, तो इसकी जो मार्किंग है वो दूसरे फैब्रिक पर भी आ जाएगी। इस टाइप से मैंने फैब्रिक पर मार्किंग करके और इसको दूसरे फैब्रिक के ऊपर रखा अपोजिट साइड में और उस पर भी मार्किंग हो गई। हम इसका बेल्ट काट लेते हैं जो हमने अपने फैब्रिक से घेर काटा था, तो उसके मतलब कि नीचे से थोड़ा कपड़ा बचा है तो हम उससे इसका बेल्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड में एक कपड़ा लिया हुआ है, इसकी हम दो लंबी पट्टियाँ बनाएंगे और इसको हम डबल फोल्ड करने के बाद, ये मैंने डबल फोल्ड किया और इसको इस टाइप से हम फोल्ड कर लेंगे और इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है, ये जो हमारी चौड़ाई है, और जो इसकी लंबाई है वो 18 इंच है, डबल फोल्ड में 18 इंच। इसको हम कट कर देंगे, मैं फैब्रिक पर भी आपको कट करके बता दूंगी। इसको इस टाइप से हमारी जो एक पट्टी निकलेगी वो 36 इंच की निकलेगी और डबल में है, टोटल पट्टी 36 की होगी, डबल में ही 18 इंच की है। इस टाइप से एक लंबी पट्टी निकलेगी तो हम इसको बीच से कट कर लेंगे। सेम हमें ऐसे फैब्रिक को कट करना है इस टाइप से। ये हमारी 18 इंच की डबल फोल्ड में दो स्ट्रिप हैं जिससे हमें बेल्ट बनाना है। हम अपने जो फैब्रिक का हमने घेर काटा हुआ है उसकी कमर पर इस टाइप से हम इसमें ये दोनों स्ट्रिप से बेल्ट लगा देंगे। एक साइड हमें प्लेन रखेंगे और एक साइड हम इसमें इलास्टिक का यूज़ करेंगे जिससे कि पहनने में इजी हो और स्ट्रेचेबल रहे। ये हमने जो इस टाइप से हम पट्टी जो बनानी है वो हम डबल फोल्ड किया और इसको हम मेज़र कर लेंगे कितना है, तो लगभग 18 इंच, क्योंकि हमें बिल्कुल फिट बनानी है तो 18 इंच लेंगे हम। और इसको 2.5 पर एक मार्क कर लेंगे हम। ये हमने दो स्ट्रिप निकालनी है हमें, तो हम इसको भी बीच से कट कर देंगे। एक स्ट्रिप पर हम इन दोनों स्ट्रिप को हम इस टाइप से घेर में अटैच करेंगे दोनों साइड। एक स्ट्रिप पर हम ये हम मैंने बकरम लिया हुआ है, आप नॉर्मल स्ट्रिप भी लगा सकते हैं। इसको हम बीच में रखकर इसको प्रेस कर देंगे, आयरन कर देंगे तो इसमें ये सेट हो जाएगा। एक स्ट्रिप में हम इलास्टिक अटैच करेंगे इस टाइप से। ये मैंने इसमें बकरम प्रेस कर लिया है और सेकंड जो हमारी स्ट्रिप है उसमें हम इलास्टिक अटैच कर लेंगे। दोनों कॉर्नर पर हम सिलाई लगा देंगे तो ये अटैच हो जाएगी, हम दोनों में इसको ज्वाइंट कर लेंगे। अब हमें नेट की कटिंग करनी है। मान लीजिए हमारा 10 मीटर नेट का फैब्रिक है, इस टाइप से लेंथ में ये बड़ा होगा, तो सबसे पहले हम इसकी फोल्डिंग करेंगे, फोर फोल्ड करेंगे इसको, जो इसकी चौड़ाई है हम उसमें इसको फोर फोल्ड करेंगे। आप सेम ऐसे ही फैब्रिक को फोल्ड करके कट कर सकते हैं। हम नेट की फोल्ड भी इस टाइप से कर लेंगे। देखिए मैंने इसको चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है, लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैं इसको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। और इसको हम 13 हमने मार्क किया था अपने घेर पर, तो 14 पर हम इसका मार्क करेंगे और इसकी स्ट्रिप्ड कट कर लेंगे। पेपर पर मार्क कर रहे हैं 14 इंचेस पर। इस टाइप से बहुत सारी हमें स्ट्रिप्ड 14 इंचेस चौड़ी और लेंथ लगभग जो नेट की होगी उसके हिसाब से लेंथ इसकी 14 इंच रहेगी और चौड़ाई स्ट्रिप्ड की हमारी ज़्यादा रहेगी। ऐसे हमें बहुत सारी नेट की स्ट्रिप्ड मिल जाएंगी। हम सभी स्ट्रिप को ओपन कर लेंगे और इसमें हम फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल कैसे लगानी है मैं आपको बताती हूँ, पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। इस टाइप से हमें नेट की स्ट्रिप मिलेंगी, तो हम इसको ऊपर से एक इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ पर इसमें फ्रिल लगाएंगे, या लूज स्टिच डालकर भी आप फ्रिल लगा सकते हैं। आपकी जो भी मशीन हो, सबसे पहले हम टाके की लेंथ को फुल बड़ा कर लेंगे इस टाइप से और यहाँ से हम धागे को टाइट कर लेंगे
और इसकी हम टाइटनेस चेक भी कर लेंगे एक बार धागा खींच के। इस टाइप से हम चेक करेंगे कि हमारा धागा ऊपर से टाइट आ रहा है, और हम नॉर्मली बस जो इसमें हमें गैदर्ड बनानी है इस टाइप से रखेंगे, और उसको ना कपड़े को खींचेंगे नहीं, और नॉर्मली मशीन चलाते जाएंगे तो इस टाइप से हमारे फैब्रिक की गैदर्ड बनती जाएगी। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, लेकिन मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि हमारी गैदर्ड नहीं बन रही है, तो आप नॉर्मली इस पैटर्न से एक बार बनाएं, मुझे लगता है कि आपकी ज़रूर बन जाएगी गैदर्ड। देखिए कितनी प्यारी गैदर्ड और इक्वली बन रही है, जो हम लूज स्टिच करके धागा खींच के बनाते हैं गैदर्ड उसमें इतनी क्लियर नहीं बनती है। देखिए हमारी इस टाइप से हम अपनी सारी जो भी हम जितनी हमें स्ट्रिप थी उनमें सभी में हम इस टाइप से गैदर्ड कर लेंगे। देखिए मैंने सारी स्ट्रिप में इस टाइप से एक इंच छोड़कर गैदर्ड कर लिया है। अब हमें कैसे अटैच करना है मैं आपको बताती हूँ। जो हमने ये मार्क किया हुआ है, हमें जो हमने लाइन ड्रॉ की है अपने फैब्रिक के ऊपर, इस टाइप से हमें उसके ऊपर इस गैदर्ड को अटैच कर देना है। देखिए मैंने सबसे पहले नीचे से हम अटैच करना चालू करेंगे। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इस पर हम जहाँ से हमने फ्रिल बनाई है वहाँ पर हम रखेंगे और इसको इसमें अटैच कर देंगे, अपने फैब्रिक में अटैच कर देंगे। देखिए मैंने पूरी गैदर्ड अभी रखी है, सिलाई नहीं लगाई है, और दूसरी लाइन जो हमने बनाई है उसके ऊपर भी हम इस टाइप से अटैच करेंगे। बिल्कुल इजी है, जो हमने लाइन ड्रॉ की है मैं उसके ऊपर अपनी बनाई हुई फ्रिल अटैच करते जाना है। देखिए मैंने सभी फ्रिल को अटैच कर लिया है, और जो हमारी स्कर्ट के दोनों पार्ट हैं इन दोनों पार्ट में मैंने अटैच कर दिया है इसको। और एक एक इंच मैंने दोनों साइड जगह छोड़ दी है इसको सिलाई करने के लिए, और इसमें जो हमने स्ट्रिप जो बेल्ट बनाई थी उसको भी अटैच कर दिया है, और दोनों जो हमारे स्कर्ट के पार्ट थे उनमें हमने बेल्ट अटैच कर लिया है, एक बैक पार्ट में इलास्टिक वाला और फ्रंट पार्ट में एक स्ट्रिप्ड वाला थोड़ा थिक पार्ट बनाया हुआ है। अब हमें क्या करना है, दोनों को अटैच करना है, तो हम इन दोनों पार्ट को अपोजिट रखेंगे, नेट इनके बीच में आना चाहिए, और यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे, दोनों को ज्वाइंट कर देंगे दोनों पार्ट को इस टाइप से। मैं आपको फैब्रिक पर भी बता देती हूँ, यहाँ पर हमने एक एक इंच पहले से छोड़ा हुआ था, नेट एक इंच दूर से लगाया था जिससे हमें स्टिचिंग करने में इनको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम स्कर्ट के पार्ट को भी रख के बताते हैं इस टाइप से। आप देखिए मैंने दोनों स्कर्ट के पार्ट को फ्रंट में अपोजिट करके रखा हुआ है, ये देखिए, और हम यहाँ पर जो हमने एक इंच जगह खाली छोड़ी थी उसको यहाँ पर दोनों को जॉइंट हम कर देंगे। और ये मैंने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है, हमारा स्कर्ट रेडी है, दोनों साइड से मैंने जॉइंट कर लिया है इसको। केवल इसको मुझे नीचे से फोल्ड करना है, हम इसमें हेमिंग भी करा सकते हैं या इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। फोल्ड हमें इस टाइप से इसको फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देनी है, तो स्कर्ट हमारा रेडी हो जाएगा। मैं इसको वेयर करके दिखाती हूँ, आप इसको कैन स्कर्ट के साथ वेयर कर सकते हैं जिससे इसका लुक और भी अच्छा हो जाएगा। मैं इसको कैन के साथ ही वेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप अगर इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, इस टाइप की ड्रेसेस की वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।